वसुंधरा राजे पर मानवेंद्र सिंह ने कसा तंज। सीएम नहीं बनाए जाने पर लिए मजे, सुनकर राजे को आ जाएगा गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी ने राजस्थान में फैसला सुनाने में सबसे ज्यादा वक्त लगाया। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे सीएम बनने की जिद पर अड़ी हुई थी और मोदी उन्हें सीएम नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि अंत में वसुंधरा राजे को मना लिया गया। जहां वसुंधरा समर्थक इस बात से नाराज हुए, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात की खुशी हुई है। जी हाँ, मानवेंद्र सिंह। 2018 में वसुंधरा के खिलाफ लड़ने वाले मानवेंद्र सिंह ने राजे पर तंज कसते हुए सीएम ना बनाए जाने पर मजे लिए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद वसुंधरा राजे सीएम रेस में सबसे आगे थी। कयास था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने सारा गेम पलट दिया और भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया। अब इस पर ही मानवेंद्र सिंह ने तंज कसा है। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर पहुंचे, वहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उनसे सबसे पहले सवाल हुआ कि राजस्थान के चुनाव के नतीजों को लेकर, जिस पर उन्होंने इशारों ही इशारों में वसुंधरा राजे पर राजस्थानी भाषा में तंज कसा। मानवेंद्र सिंह ने मारवाड़ी भाषा में कहा, जी सोरो होयो, यानी अब सुकून मिला। इस बयान को लोग वसुंधरा राजे से जोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह का ये इशारा वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाने की तरफ था। वहीं आगे उन्होंने इसे स्वाभिमान की जीत बताई। उन्होंने कहा, सभी ने जीत के बाद भगवान हनुमान को याद किया। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यशवंत सिंह जसौल को मजाक में हनुमान कहते थे। तो फिलहाल अब तो एक तो पहले से वसुंधरा राजे का सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर मुंह बना हुआ था, उस पर से मानवेंद्र सिंह ये कहकर मजे ले रहे हैं कि अब सुकून मिला। तो बेशक ये बात सुनकर वसुंधरा राजे को गुस्सा आ जाएगा। और मानवेंद्र सिंह के इस बयान को वसुंधरा राजे से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि 2018 में ये वसुंधरा से हार गए थे, इसीलिए भी तंज के रूप पर देखा जा रहा है। वही आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा राजे और मानवेंद्र सिंह के बीच नोकझोंक तो है, क्योंकि बात 2018 की है जब कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को झालरा पाटन सीट पर वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़वाया था और झालरा पाटन तो वसुंधरा राजे का घर है। ऐसे में वसुंधरा राजे ने मानवेंद्र सिंह को 34,980 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। और तो और वसुंधरा राजे से ही राजनीतिक अनबन के कारण मानवेंद्र सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा अभी फिलहाल मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होने के भी संकेत दे रहे हैं। बाड़मेर में मीडिया से बात करते हुए मानवेंद्र सिंह ने कहा था, दाता यानी दिवंगत पिता यशवंत सिंह प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा साथ है। उन्होंने और अटल जी ने आशीर्वाद दिया था कि सही दिशा में और सही काम करो, अपने टारगेट से चूकना मत। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वही मानवेंद्र सिंह से जब घर वापसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घर वापसी शब्द मैं कहता नहीं, क्योंकि मैं घर में ही हूँ, भारत में हूँ, आप पार्टी बोलिए। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतम समर्थकों की राय यही है, समर्थकों के साथ आगे चर्चा होगी और बैठकर कोई फैसला लिया जाएगा, जो भी फैसला होगा वो समर्थकों के अनुसार होगा। लोकसभा चुनाव से पहले क्या वो बड़ा फैसला ले सकते हैं? इस पर मानवेंद्र सिंह ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये समर्थकों और टीम पर निर्भर करता है वो कब क्या फैसला ले, और फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखना होगा कि क्या सच में मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने वसुंधरा राजे पर तंज कसा है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।